स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए जलीलपुर ब्लॉक के डवाकरा हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सरकारी स्कूलों में बच्चों के ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया गया, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहने पाए। इस दौरान बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी विश्वास कुमार, ब्लॉक प्रमुख पुत्र रवि धारीवाल, बीडीसी सदस्य और शिक्षक गण भी मौजूद रहे। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। और अन्य गणमान्य व्यक्ति, हमारे अध्यापक बंधु, पत्रकार बंधु और वो वैदिक पंचायत में कॉलेज की पड़ी हुई है, यहाँ खिचड़ी और चावल खाने के बाद वो सुचाई तक हो गए हैं। 1.5 लाख सालाना है उसका, कुछ खास ज्यादा नहीं है यार। मेरे चले भाई का भी वहाँ पढ़े। मेरा नाम विनय कुमार वर्मा है, मैं प्राथमिक विद्यालय बल्लिया नंगली का मुख्य अध्यापक हूं तथा इस ब्लॉक जलीलपुर में ब्लॉक सह समन्वयक के पद पर कार्यरत हूं। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है ब्लॉक प्रमुख श्री की मतलब अध्यक्षता में, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़ाया जाए और जो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या एडमिशन लेने के बाद में कहीं और चले जाते हैं, उनकी लगातार उपस्थिति निरंतर सुनिश्चित की जाए। मेरा नाम कमलकांत शर्मा है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलीलपुर में मुख्य अध्यापक के पद पर तैनात हूं और संकुल प्रभारी का मेरा पद भी है। ये जो हमारी मीटिंग चल रही है ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में तथा खंड शिक्षा अधिकारी के सौजन्य से, इसका उद्देश्य हमारा समस्त ग्राम प्रधानों को हमने इसमें बुलाया है, बीडीसी सदस्य आए हुए हैं, एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति जो हमारी है जो उसके अध्यक्ष हैं वे भी बुलवाए गए हैं। 6 साल से 14 साल के बच्चों का, सभी बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराना, परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता बताना, उसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देना हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य है। मैं विश्वास कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी जलीलपुर। आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में कि जो हमारे परिषदीय स्कूल है, सरकारी स्कूल में है, इनमें अधिक से अधिक नामांकन कैसे हो, इस विषय पर रणनीति तैयार की गई है। और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो कभी विद्यालय नहीं जाते और बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जो प्लस 5 में आ रहे हैं, उनको कैसे नामांकित किया जाए, गांव में कोई बच्चा हमारा ऐसा ना रहे जो विद्यालय में न जाता।